नमस्कार, अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत तो उज्जैन के जिक्र के साथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन संभाग की कानून व्यवस्था पर बैठक ली है। बैठक में संभाग के कलेक्टर, एसपी और विभागों के बड़े अफसर मौजूद रहे। सीएम ने मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने कहा है कि काम में अफसर पारदर्शिता रखें, जिससे सही काम करने वालों को परेशानी बिल्कुल ना हो। सीएम ने जबरन वसूली की घटनाओं पर भी चिंता जताई और अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दे दिए हैं। पुलिस विभाग में पेंडिंग प्रमोशन के आदेश जल्द ही जारी करने के निर्देश। सीएम ने विकास कार्यों की भी समीक्षा की है। सीएम ने निर्माण कार्यों को भी देखा है। जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के लिए इन तमाम विकास कार्यों को समीक्षा में जब लाया जाएगा तो उनकी तरफ से कहा गया है कि जल्द ही इस बैठक का भी आयोजन। लेकिन उससे पहले बैठक के तमाम बड़े फैसले स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। काम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिससे जो सही काम कर रहा है उससे परेशानी ना हो, जो अपराधी है उस तक नकेल कसी जा सके। उज्जैन संभाग की बैठक, जिसमें तमाम बड़े फैसले, कैबिनेट की बैठक का भी इंतजार। लेकिन इससे पहले अधिकारियों के साथ जमीनी स्तर पर जो काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने कल जो यात्रा का जो हरी झंडी दिखाई थी और वो बहुत सफलता के साथ हमने अपने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ है। आज इससे हमने अपने संभाग की प्रशासनिक दृष्टि से विकास के मामलों को लेकर के बैठक प्रारंभ करने का निर्णय किया था। उसमें दसों संभाग में सबसे पहले उज्जैन संभाग की बैठक ली है, जिसमें सभी माननीय सांसद और विधायकों को आमंत्रित किया था और हमने विभागों की विकास के मामले में माननीय मोदी जी की जो कल्पना है कि विकास की प्राथमिकता सबसे पहले होना चाहिए, ऐसे विकास के कामों का एजेंडे पे बात की है और कोशिश कर रहे हैं कि ये लगातार सभी संभागों की बैठक करेंगे और उन संभाग के अंदर इन सब कामों का संभाग, जिला और विधानसभा इकाई अर्थात एसडीएम की जो इकाई होती है, एसडीएम जिला और संभाग और फिर प्रांत, तो ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था में सभी कामों की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, सभी की गुणवत्ता बनी रहे, जनता के हित के निर्णय सबसे पहले लागू हो, ऐसे विकास मामलों की हमने चर्चा की है। मैंने अपनी ओर से उज्जैन में कोशिश की है आने वाले समय में ये विकास के काम और तेजी से चलते जाएं। और मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार का इंतजार किया जा रहा है। पुख्ता जानकारी ये कि 19 दिसंबर तक जो क्लियर है वो हो जाएंगे फेसेस जो कैबिनेट का हिस्सा रहने वाले हैं। 19 दिसंबर को सबसे ज्यादा संभावना इसलिए भी क्योंकि राज्यपाल मध्य प्रदेश वापस आएंगे। दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक भी इसे लेकर हो रही है। कैबिनेट गठन का जो फॉर्मेट है वो सामने आ पाएगा। पार्टी नए फॉर्मेट पर आगे बढ़ सकती है क्योंकि 24 को लेकर निर्णय अब लिए जा रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में, तो पार्टी हर एक संसदीय क्षेत्र से एक मंत्री उतार सकती है कैबिनेट में। कैबिनेट में तीन बार जो मंत्री रह चुके हैं उन नेताओं को इस बार मौका नहीं मिलेगा, हताशा हाथ लग सकती है। 19 दिसंबर तक नई कैबिनेट का गठन लगातार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि संभावना सबसे ज्यादा इसी चीज को लेकर कि जैसे ही राज्यपाल पहुंचते हैं बीजेपी की तरफ से सूची भेजी जाएगी कैबिनेट की और उसके बाद मुहर का इंतजार। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा आज दिल्ली में होंगे, बैठक करेंगे कैबिनेट विस्तार को लेकर। केंद्रीय नेतृत्व के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास होगा जिससे मंत्रिमंडल में सुझाव रखे जा सके मुख्यमंत्री के भी और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पार्टी निकल सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बड़ी बैठक। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर से जानकारी, सीएम विष्णुदेव साय ने उच्च स्तरीय बैठक ली है। मुख्य सचिव, डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे बैठक में। नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा इस बैठक में, अधिकारियों को निर्देश दिए सख्ती से कि केंद्र के सहयोग से नक्सलवाद को खत्म करने का प्रयास हो, अभियान में तेजी लाने के सीधे निर्देश। शहीद के परिवारों को सहायता देने का भी जिम्मा फौरन डीजीपी के कंधों पर छोड़ा है। आपको बताएं कि खुद ही मॉनिटरिंग करनी होगी डीजीपी को, सीएम की तरफ से भी निर्देशित कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी अपने आप में, क्योंकि नक्सल की समस्या छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण रही है जिस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और शुरुआत में ही अगर मुख्यमंत्री का फोकस इस पर है तो आप ये समझिए कि डबल इंजन की सरकार हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में कई कड़े फैसले लेकर आए जिससे नक्सलवाद को खत्म करने की कवायद प्रदेश में शुरू हो। छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, शहीदों के परिवारों को लेकर भी उनकी तरफ से संज्ञान कहा गया है कि जितनी भी सहायता मुहैया करानी हो डीजीपी खुद देखें इस पूरी चीज को। केंद्र के सहयोग से नक्सलवाद को खत्म करने का दावा
मुख्यमंत्री की तरफ से। टूट गया मिथक। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में अपने निवास पर रात्रि विश्राम वो कर चुके हैं और एक बड़ा मिथक जो कि मध्य प्रदेश में खासतौर पर उज्जैन में चलता रहा था उसे तोड़ दिया है। माना यह जाता है कि कोई भी मुख्यमंत्री उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं करता, लेकिन इस मिथक को सीएम डॉक्टर यादव ने तोड़ दिया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसकी वजह भी बताइए। महाकाल नगरी में रात्रि विश्राम, उज्जैन की मान्यता पर लगा विराम, मोहन पहुंचे महाकाल के धाम, शिव नगरी में सीएम का विश्राम। सालों से एक मान्यता चली आ रही थी जो कल रात टूट गई, वो मिथक जिस पर विराम लग गया। महाकाल नगरी में डॉक्टर मोहन यादव का जत्था पहुंचा, भारत संकल्प यात्रा के उद्घाटन समारोह में शामिल होने सीएम उज्जैन पहुंचे तो कयास लगाए जाने लगे कि कहीं आज सालों से चला रहा एक मिथक टूट न जाए। कुछ ने कहा कि नहीं टूटेगा, कुछ ने कहा ये नए सीएम हैं और इनका हर काम का नया तरीका है तो टूटेगा जरूर। दोपहर में सीएम का जुलूस निकला, शाम ढलने लगी, लोगों को लगा सीएम अब रवाना होंगे, लेकिन वो मिथक जो सालों से चला रहा था वो टूट गया। सीएम महाकाल नगरी में रुके और इनके साथ सारे कयासों पर विराम लग गया। राजा तो सिर्फ एक ही हैं और वो महाकाल है, हम सब उनके बेटे हैं। राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे? बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं, अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है, क्या नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी? ये कैसे हो सकता है? ये तो मिथक की बात हो गई, लेकिन ये मिथक शुरू कहां से हुआ, क्यों उज्जैन में कोई सीएम नहीं रुकते थे, सीएम ने ये भी बता दिया। क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना? कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहां से ग्वालियर, तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन महाराज जी चले गए शांत होकर, दौलत राव जी जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई, तो उनने क्या समीकरण बनाया, एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा, तो परिवार ही नहीं पड़ गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी एक उनकी राजनीतिक रणनीति। ये तो सीएम साहब कह रहे हैं, वैसे मान्यता ये भी है कि महाकाल की अपनी एक परिधि है, इस परिधि से किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या राजघराने से जुड़ा व्यक्ति दूर रहता है। वैसे उज्जैन सीएम का गृह नगर है, वो यहीं खेले और पढ़े, यहीं से सियासत की शुरुआत की और महाकाल के आशीर्वाद से सीएम बने और उज्जैन में रात्रि विश्राम करके उन्होंने मिथक को तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब मध्य प्रदेश विधानसभा की भी चर्चा। मध्य प्रदेश में सत्र को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था है। संसद में स्मोक कांड के बाद एमपी विधानसभा में चौक चौबंद सुरक्षा, चूंकि सदन के बाहर करीब 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सघन जांच के बाद ही विधानसभा में एंट्री दी जाएगी। जो देश की संसद में हुआ वो यहां पर ना हो, उसके लिए पहले से इंतजाम। दर्शक दीर्घा में जाने वाले पास धारकों की विशेष चेकिंग। विधानसभा सत्र के पहले कड़ी सुरक्षा, मध्य प्रदेश विधानसभा का जिक्र करें, 18 से विशेष सत्र का आगाज, लेकिन संसद वाली घटना मध्य प्रदेश विधानसभा में ना देखने को मिले, इसके लिए पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। 1000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, अंदर जो भी एंट्री लेगा उसकी सघन चेकिंग, आईडी प्रूफ ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा और किसके माध्यम से आप वहां पर पहुंचे हैं ये बताना जरूरी होगा। सघन चेकिंग के बाद ही विधानसभा में एंट्री मिल पाएगी। आपको पता है कि संसद में क्या हुआ, उसके बाद भारी बवाल।
और अलग अलग जो गेट है वहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है ताकि किसी तरह की कोई ऐसी परिस्थिति ना बन पाए कि कोई दिक्कत यहाँ पर, और यही कारण है कि तमाम जो पुलिस बल यहाँ पहुंचा हुआ है उस सबको जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, कि सभी को अपनी अपनी ड्यूटी समझा दी गई है किस तरीके से आपको किस गेट पर रहना है और क्या क्या चेकिंग करनी है। देखिए चूंकि इस बार पुलिस के सामने चुनौती ज्यादा इसलिए है क्योंकि देखिए जो पहली जो बार जो के विधायक जो है वो यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनको बहुत सारी चीजें पता नहीं है, ऐसे में कैसे उनको अंदर प्रवेश कराना है और किस तरीके से क्या क्या सामान उनको लेकर आना, ये तमाम जो हिदायतें हैं वो है वो यहाँ के स्टाफ को दी गई है ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही यहाँ पर ना हो, ये व्यवस्था यहाँ पर लगातार की गई है। और जो पुलिस कर्मी यहाँ पहुंचे उनको भी साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और क्योंकि देखिए जो विधायक आ रहे हैं उनको विधिवत और यहाँ पर प्रवेश कराया जाए। और जिस तरीके से साफ तौर पर इस बार ये भी बताया गया है कि जो दर्शक दीर्घा है उस पर भी बहुत सीमित लोगों को ही इस बार पासेस दिए जाने हैं, तो ऐसे में तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। दीपक कुमार के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ विधानसभा की चर्चा है। यहां सत्र 19 से 21 दिसंबर तक चलने वाला है। सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल भी होगा, तो विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाएगा। तैयारियों का जायजा हमारे संवाददाता ने भी लिया, देखिए। विधानसभा का सत्र 19, 20 और 21 तारीख को होगा और विधानसभा में उसकी पूरी तैयारी की जा रही है और आप देख सकते हैं रंग रोगन के अलावा सड़कों को भी चकाचक किया जा रहा है। विधानसभा का सत्र यहां पर 3 दिनों तक चलेगा। पहले जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनका परिचय होगा, उसके बाद यहां अध्यक्ष पद के लिए भी जो नॉमिनेशन है वो भरा जाएगा और पहला सत्र है वो शुरू होगा। और जिस तरह से संसद में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे तो यहाँ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात रहेगी, पुलिस बल भी रहेंगे, साथ ही साथ विशेष सावधानी बरती जाएगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अगली बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहाँ टिप्पर और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में कार चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नील शनार के पास ये बड़ा हादसा, बागापाल थाना क्षेत्र की पूरी घटना, सड़क हादसे को लेकर सूचना हम आपको दे रहे हैं। घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं, बेहद ही भीषण टक्कर दोनों ही वाहनों में। दंतेवाड़ा की ये तस्वीरें, हादसे में कार चालक की घटनास्थल पर मौत हुई, ये बताने के लिए काफी कि कितने भीषण ये हादसा रहा होगा। बागापाल थाना क्षेत्र की पूरी घटना, प्रशासनिक अमला पहुंचा जानकारी जुटाने के लिए, आसपास लोग मौजूद थे, अफरा तफरी मची लेकिन फौरन अस्पताल में भर्ती करवाने का प्रयास किया गया। एक व्यक्ति की हालत इतनी खराब थी कि घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। अगली खबर भिंड जिले से, जहां कलेक्टर ने रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की है। अवैध परिवहन करते वाहनों पर एक्शन लिया गया, 9 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर को जब्त किया है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की तरफ से कार्रवाई, वाहनों को जब्त कर थाने में रखा गया है। मॉर्निंग वॉक पर कलेक्टर निकले थे और उसी दौरान एक्शन बोर्ड पर नजर आए। मॉर्निंग वॉक के दौरान ही रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की गई। तस्वीरें आप देखिए, उस समय जब बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता माफिया को कि कोई प्रशासनिक अमले का व्यक्ति पहुंच सकता है, उसी दौरान कलेक्टर पहुंचे। रेत खनन यहां से लगातार चल रहा था, फौरन संज्ञान लिया गया, 9 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर को जब्त किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, माफिया पर कड़ा एक्शन जिससे खौफ पैदा हो सके। और भिंड जिले में सिलसिला आप लगातार देखेंगे भी, अपराधियों पर लगाम लगाने का प्रयास इसलिए भी क्योंकि यहां पर बहुत बेखौफ है रेत माफिया, अक्सर अधिकारियों पर हमला कर देते हैं और इसलिए सख्ती का संदेश सीधे कलेक्टर की ओर से, खनिज विभाग की टीम की तरफ से बड़े कारण।
और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद खंडवा में खुले में मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। टीम ने समझाइश देने के साथ ही मांस और मछली जब्त कर लिया। आपको बताएं कि लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई भी अब की जानी है। 4 दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खंडवा में 33 दुकानदारों के पास लाइसेंस है, बाकी दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं। और वैसे दुकानदारों को चिन्हांकित किया जा रहा है जिन पे लाइसेंस नहीं है, इसके बावजूद मांस और मछली की बिक्री हो रही है। है जो नगर निगम एक्ट और नगर पालिकाओं की एक्ट की सुसंगत धाराओं में जो भी निर्देश दिए गए कि उसके कोई भी व्यक्ति यदि इस तरीके का व्यवसाय करना चाहता है तो उसको लाइसेंस लेना होगा, और लाइसेंस लेने में जो जो शर्तों का उल्लेख रहेगा उसकी पालना करना अवश्यंभावी होगा। इसी आधार पर अभी कल हम लोगों ने सभी नगरीय निकाय और कमीशन नगर निगम के साथ बैठक कर ली है और बता दिया गया है कि जो दुकानें होंगी परमानेंट स्ट्रक्चर होंगे उसमें अपारदर्शी कांच रहेगा, और जो अस्थायी तौर की दुकानें होंगी इसमें पर्दा या कोई ना कोई ऐसी चीज रहेगी जिसकी वजह से वो। और अब खबर ग्वालियर से है जहां सीसीटीवी में एक दर्दनाक हादसा कैद हुआ है। कार ने बाइक को टक्कर मारी है, बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी में दुर्घटना कैद हुई और ऐसी भीषण तस्वीरें जो आपको झकझोरते हैं। झांसी रोड थाने के सिथौली रेलवे स्टेशन रोड की पूरी घटना, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा देते हैं। भीषण हादसा, कार की रफ्तार इतनी तेज के किसी भी वाहन के आसानी से पर खट छोड़ जाते हैं। और तस्वीरें आप देखिए, बाइक सवार इसकी चपेट में आया, घटनास्थल पर ही व्यक्ति की जान चली गई क्योंकि रफ्तार बहुत ज्यादा थी गाड़ी की। ये व्यक्ति रोड पार करने का प्रयास करता हुआ सामने से आ रही गाड़ी में टक्कर मारा। और नए साल के जश्न को लेकर पर्यटकों में टाइगर सफारी का खुमार भी देखने को मिल रहा है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व का जिक्र करें जहां कोर एरिया के सभी एंट्री टिकट पूरी तरह से फुल हो गए हैं। पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह जिन्होंने बताया कि कोर एरिया में प्रतिदिन 99 वाहन सफारी के लिए जाते हैं और सभी वाहनों के टिकट बुक हो चुके हैं। डिप्टी डायरेक्टर ने पर्यटकों को एजेंटों से सावधान रहने के लिए कहा। कौन चल रहा था? और अगर आप बर्फ पर फिसलने के शौकीन हैं या आप आइस स्कीइंग में दिलचस्पी रखते हैं तो आइए विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में जहां स्कीइंग की तैयारियां चल रही हैं। पच्चीसो फीट की ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड का सबसे मशहूर पर्यटक स्थल औली है जहां बर्फबारी के बाद नजारे काफी खूबसूरत हो गए हैं और बर्फबारी होते ही स्कीइंग खेलों की उम्मीद भी बढ़ जाती है। 1350 मीटर लंबे स्कीइंग स्लो पर स्की करना हर एक स्कीइंग खिलाड़ी का सपना होता है। ऐसे में खिलाड़ियों को उम्मीद है कि ओली में इस बार स्कीइंग खेलों का आयोजन जरूर होगा। खिलाड़ी लोग भी काफी खुश है क्योंकि बर्फ इस बार समय पे गिर चुकी है और अभी सारे लोग अभी जो हमारे एथलीट है प्लेयर है ये अभी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं आने वाले समय में जो नेशनल गेम होंगे। लास्ट ईयर तो थोड़ा दरार वगैरह आ गई थी तो इस वजह से कुछ भी नहीं हो पाया था गेम वगैरह, बट इस बार उम्मीद है कि अच्छा गेम होंगे और अच्छे से मेडल आएगा उत्तराखंड के लिए। ओली में इस बार इंडियन ओलंपिक संघ के द्वारा दो फेस रेस नेशनल स्कीइंग के साथ साथ माउंट ट्रेनिंग स्कीइंग खेल प्रस्तावित है जो जनवरी और फरवरी महीने में हो सकते हैं। अगर बर्फबारी हुई तो जनवरी महीने में भी इन खेलों का आयोजन हो सकता है जिसकी तैयारी ओलंपिक संघ कर रहा है। पूरी बर्फ होती है जनवरी या फरवरी में ये इवेंट यहाँ पे होंगे और इस बार यहाँ पे सीनियर अल्पाइन इसकी रेसेस होनी है, इसके साथ नॉर्डिक स्नोबोर्डिंग और एक नया इवेंट है इसकी माउंटेनियरिंग, वो भी इस बार ओली में आयोजन होगा। क्या इसमें विदेश से खिलाड़ी पहुँचेंगे? जी, इसमें कितना स्नोफॉल होता है इस पे निर्भर करता है। ओली में गढ़वाल मंडल विकास नगर के द्वारा स्थानीय खिलाड़ियों के लिए विदेश से भी स्कीइंग के लिए इसकी मंगाई गई है जो आधुनिक तकनीक से लैस है। हालांकि इसकी हर साल नए नए तरीके से तैयार की जाती है लेकिन फिलहाल ओली में जापान, स्विट्जरलैंड, रूस जैसे देशों से स्की मंगाई गई है। ओली पर मौसम मेहरबान रहा तो ओली में स्कीइंग का रोमांस भी बढ़ेगा। देशों दुनिया से स्कीइंग खिलाड़ी ओली पहुंचेंगे जिससे पर्यटक स्थल पर रौनक भी बढ़ेगी और स्थानीय कारोबारी को फायदा भी होगा। न्यूज 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।